जानलेवा कोरोना वायरस लगातार कहर बरपा रहा है। यूपी के कई जिलों में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिससे नाइट कर्फ्यू का ऐलान भी किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक वीडियो जारी कर लोगों से कोविड के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। प्रदेश की जनता जनार्दन ने प्रदेश के समग्र विकास और सुरक्षा में पिछले 5 वर्ष के दौरान निरंतर अपना सकारात्मक योगदान हमें दिया है। 5 वर्ष का हमारे साथ सरकार का यह कार्यकाल सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। इस दौरान पिछले 20-22 महीनों से न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश और दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से भी जूझ रही है। भारत के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में पूरा देश कोरोना के खिलाफ एक लड़ाई, प्रत्येक नागरिक के जीवन और जीविका को बचाने के लिए लड़ रहा है। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, हर गरीब के लिए, जरूरतमंद के लिए फ्री में अन्न योजना, और प्रधानमंत्री जी ने सबको वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन की व्यवस्था भी की है। मेरी आप सभी प्रदेशवासियों से अपील है, कभी भी एक संख्या है जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन नहीं ली है, मेरी आप सबसे अपील होगी, कोरोना के खिलाफ लड़ाई ये देश की लड़ाई है। हर एक व्यक्ति का जीवन बहुमूल्य है और इस बहुमूल्य जीवन के लिए कोरोना का वैक्सीन एक सुरक्षा कवच है। इस महामारी का तीसरा वेरिएंट भी आ चुका है, घबराने की आवश्यकता नहीं, सतर्कता और सावधानी हमें इस महामारी से बचाने में बहुत सहायक होगी। मेरी आप सबसे अपील है कि आप सभी लोग जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन नहीं ली है वे कोरोना की वैक्सीन जरूर ले लें, जिन्होंने एक डोज ले ली है वे अपनी दूसरी डोज भी समय से ले लें। बुजुर्ग लोगों के लिए, हेल्थ वर्कर्स के लिए, कोरोना वॉरियर्स के लिए सरकार ने एक बूस्टर डोज की व्यवस्था भी की है, आप जरूर इसको लें, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ मानवता के को बचाने की जो लड़ाई लड़ी जा रही है इसमें यह वैक्सीन सुरक्षा कवच का काम करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप समय से अपना वैक्सीन लेकर के अपने नवयुवकों को भी इस महामारी से बचाने में योगदान देंगे, खासतौर पर 15 से 18 वर्ष के बीच के युवाओं के लिए भी फ्री वैक्सीन प्रारंभ हो गई है। हमारा प्रयास होना चाहिए अगले एक सप्ताह के अंदर 15 से 18 वर्ष के हर एक युवा को हम वैक्सीन दे सकें और इसको युद्ध स्तर पर ले लेंगे तो कोरोना हारेगा और भारत जीतेगा। आप सबका मैं हृदय से अभिवादन करता हूं, आपके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद, जय हिंद। वहीं ललितपुर में लगातार 4 दिनों से हो रही बारिश ने किसानों की नींद उड़ा दी है। वहीं ओलावृष्टि से होने वाले किसानों की मसूर, मटर, चना की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। खड़ी फसलों के नुकसान से जहां किसानों ने जिला अधिकारी के कार्यालय में मुआवजे की मांग की, वहीं बर्बाद फसल के होते नुकसान को देखकर खेत में ही एक किसान ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद किसान संगठनों एवं कांग्रेस पार्टी द्वारा भी सही समय पर उचित मुआवजा दिलाने की मांग की गई है। फसलों के हुए नुकसान पर जिलाधिकारी आलोक सिंह का कहना है कि मडावरा क्षेत्र में अधिक नुकसान हुआ है। किसान हमारे जो हैं वो कल भी मेरे पास आए थे, मैंने उनको बता दिया है, कल ही से हमारी टीम सर्वे कर रही है मडावरा और मैरौनी एरिया में, तो मैं खुद ही गया था कल देखने, तो वहाँ पे जो भी नुकसान तो हुआ है वो उसकी पूरी सर्वे करा के और आज तक हमारी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी,
तो उसको फिर शासन को ही भेज देंगे और उसे ले देंगे जितना भी उसमें कंपनसेशन मिल सकता है जो नियम के तहत। असमय ओलावृष्टि और बारिश के कारण किसानों के ऊपर जो बरपा कहर उसको देखते हुए कांग्रेस के नेता आदरणीय राहुल जी, प्रियंका जी और प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू जी से वार्ता के बाद यह तय हुआ कि कांग्रेस पार्टी के तरफ से एक ज्ञापन दिया जाए और किसानों के साथ खड़े होकर के उनकी इस लड़ाई को उस हद तक लड़ी जाए जब तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला। खबर ललितपुर से है जहां जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने बिजनौर एवं उत्तराखंड के सीमावर्ती जिलों पुलिस एवं आबकारी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जिला बिजनौर से मिलने वाली सीमाओं पर विशेष सतर्कता एवं सजगता की आवश्यकता है, जिसके लिए दोनों राज्य विशेष रूप से बिजनौर के सीमावर्ती जिलों के पुलिस एवं आबकारी अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने की आवश्यकता है ताकि असामाजिक एवं आपराधिक तत्व चुनाव के दौरान शराब, अवैध धन तथा किसी भी प्रकार की सामग्री की तस्करी ना करने पाए जो निर्वाचन प्रक्रिया अथवा मतदाताओं को क्रूर प्रभावित कर सके। लोग एक बात से सहमत होंगे कि सिस्टम इकबाल से चलता है। आज के बाद से एक महीना है जिसमें हम लोगों मेहनत करनी है कि कहीं भी जो अवैध शराब है किसी भी स्थिति में न उसका संचरण होना चाहिए, न उसका ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, न बिक्री होना चाहिए। इसके लिए दोनों जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं हर जगह के अधिकारी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करें और सूचनाओं का आदान प्रदान करें। हर जगह आप खड़े होकर के नहीं चेक कर सकते 140-165 किलोमीटर की बाउंड्री को। फिरोजाबाद के टूंडला के अंतर्गत हाईवे पर स्थित एक रेस्टोरेंट में कांग्रेस की एक पंचायत का आयोजन किया गया। कुछ ही दिन पहले चुनाव आयोग ने सभी मीटिंग, पंचायत और रैलियों पर रोक लगा दी थी, फिर भी कांग्रेस के पदाधिकारियों ने पंचायत की। इस पंचायत में प्रियंका की फोटो छपे बैग भी बांटे गए हैं। चुनाव में हम अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण नहीं देंगे भाई, ये तो लाजमी है भाई। हम कोई रैली या सभा तो कर नहीं रहे। हमारी माननीय प्रियंका गांधी जी ने सबसे पहले डिसीजन लिया है कि हम कोई भी रैली और सभा नहीं करेंगे। बड़ी आयोग की स्पेशल गाइडलाइन है, कोई ना सभा होगी ना रैली होगी ना कोई पंचायत होगी। आयोग की गाइडलाइन नहीं, नॉट पंचायत, दिस इज नॉट अ पंचायत, दिस इज अ ओनली ट्रेनिंग जो हम अपने कार्यकर्ता को देंगे। कार्यकर्ता को हम ये नहीं बताएंगे, हम अपने जो बूथ अध्यक्ष है या हमारा वार्ड अध्यक्ष है, जो न्याय पंचायत अध्यक्ष है, उसको हम ये नहीं बताएंगे कि कैसे घर घर तक आपको पर्ची पहुँचानी है। वहीं यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने राजधानी लखनऊ के बालू अड्डे इलाके से डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान शुरुआत की है और भाजपा के रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के द्वार पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ जनसंपर्क भी कर रहे हैं। बता दें कि 5-5 सदस्यों की टीम घर घर जाकर मुलाकात करेगी।